देखो भाई, आज हमें विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाले या विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता उत्पन्न लिखे जाओ भाई, लिखे जाओ, पढ़ने बोलना कुछ नहीं। अब विशेषण का अर्थ विशेषता उत्पन्न करने वाले या विशेषता बताने वाले का वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। परिभाषा, विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीली का, जैसे नीली, नीला, 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 बेटी ठीक है, ठीक है, ईमानदार, बेईमान,
जैसे ध्यान दीजिए, नीला, पीला, मीठा, ईमानदार, विदुषी, दयावान, बेईमान, पुराना, धीरे धीरे, विषालु, क्रोधी और मधु, ये शब्द विशेषण है। किसी की विशेषता, जैसे धीरे धीरे शब्द है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुए की विशेषता बता रहा है, तेज चलता है, क्योंकि चीता तेज दौड़ता है, शेर तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ तेज नहीं दौड़ता है। कैसे चलता कछुआ? धीरे धीरे। आकाश, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, नीला आकाश, तो आकाश की विशेषता बता रहा है, आकाश कैसा है? नीला। तो ये हो गया विशेषण, और यह संज्ञा, संज्ञा आकाश की विशेषता बताई गई है। अब देखिए आगे, नंबर एक, जंगल में नीलगाय, अब इसमें विशेषण बताना है, तो सबसे पहले संज्ञा का पता लगाओ। संज्ञा कौन सी है? ये गाय। और संज्ञा के पास ही विशेषण मिलेगा। गाय कैसी है? नील, यानी नीली। ये हो गया इसका विशेषण। तो परीक्षा में आता है, जंगल में नील गाय चल रही है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण है पता लगाओ। संज्ञा कौन सी है? पद्मावती। और इसकी विशेषता क्या बताई गई? वो कैसी थी? सुंदर थी, रूपवती। जो क्या विशेषण? और यह संज्ञा नंबर तीन, मोहन ईमानदार, इसमें ये पता लगाओ संज्ञा कौन सी है? संज्ञा है मोहन। और इसकी विशेषता बताएगी कैसा वो? ईमानदार। तो ये हो गया विशेषण। कछुआ
बचपन धीरे धीरे चल रहा है। सबसे पहले पता लगाओ परिभाषा के अनुसार जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम उस शब्द को हम क्या कहते हैं बेटा विशेषण शब्द। तो सबसे पहले संज्ञा का पता लगाओ, संज्ञा कौन सी है फलस्वरूप और इसकी विशेषता बताई गई है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे हो गया विशेषण और ये हो गया संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताई, संज्ञा की विशेषता बताई। अब ताजमहल की विशेषता बताइए, ताजमहल कैसा है सुंदर, तो ये हो गया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम में ये ताजमहल भी आया, ताजमहल की संज्ञा ही तो रही, संज्ञा का अर्थ होता है ध्यान दो। प्रिय विद्यार्थी संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम। जैसे पेड़ है उसको अपन कहा तो उसका नाम रखते हैं तो संज्ञा होता है, जैसे कैमरा नाम रख दिया, ये स्कूल ये भी संज्ञा है, पंखा भी है और पुस्तक भी है, ताजमहल भी है, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और सर्वनाम का अर्थ विद्यार्थियों सर्वनाम का अर्थ होता है जो सबके नाम हो, सबके नाम सर्वनाम का अर्थ होता है जो सबके नाम उतार रहे हो उतार रहे भाई उतार रहे। अब जैसे इधर ध्यान दो गाय हमारी माता, वह एक सीना था गाय हमारी माता है, वह एक सीधा साधा जानवर है। अब वह शब्द किसके लिए आया है गाय के लिए, ये संज्ञा है और ये क्या हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ होता है जो सबके नाम। अब देखो विशेषण है, विशेषण है के द्वारा द्वारा संज्ञा वह सर्वनाम। सर्वनाम है की विशेषता बताई जाती है। जा
जाती है, उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। जैसे देखिए, ईमानदार, जैसे ईमानदार छात्र, तो ये तो क्या विशेषण। और छात्र होगा विशेष, इसको संज्ञा भी कहते हैं। ईमानदार ये विशेषण हो गया और छात्र विशेष हो गया। तो विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। नंबर दो, कश्मीरी, कश्मीरी क्या हुआ भाई, तो हो गया विशेषण। और गाय हो गया विशेष। और विशेष यानी होता संज्ञा या सर्वनाम।